नमस्ते। मेरे पास ये रात की रोटी है और मैंने बहुतों को देखा है कि इन इस रोटी को, बची हुई रोटी को वो या तो कूड़ेदान में फौरन फेंक देते हैं, चाहे वो बची हुई रोटी हो या चावल हो, फौरन वो अपने डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि इस रोटी को जो आपको मिली है, आपने खरीदी नहीं है, ये आपको मिली है। तो ये रोटी एक किसान की 6 महीने की कड़ी मेहनत है, धूप में, बारिश में, आंधी में, पानी में। उसको आप किस तरह से डस्टबिन में डाल सकते हैं? ये रोटी अगर आपकी नहीं है तो कहीं आसपास की हो। देखिए, कोई गाय भूखी है या कोई और जानवर, कुत्ता कोई भूखा है तो उसको दे दीजिए, कोई ऐसे लोग जो जिनके पास खाने को नहीं है उसको दे दीजिए, या इसको खुद भी आप बहुत तरीके से खा सकते हैं। कोशिश कीजिए रात का खाना फ्रिज में रखें, खराब ना हो। देखिए, हमारा देश हमें अन्न देता है और हम ये कह सकते हैं कि हमारा देश विश्व का सबसे अमीर देश है, क्योंकि हमारे पास उपजाऊ ज़मीन है। आप उन देशों को देखिए, जैसे मिडिल ईस्ट में दुबई हैं और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके पास ज़रा सी भी ज़मीन नहीं है कि कुछ वो उसमें से उगा सके। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा, बहुत हम भाग्यशाली हैं कि हम भारत में पैदा हुए हैं। यहाँ पे खेती बाड़ी है, आपको अच्छे से खाना मिल रहा है, आप किसी भी तरह की चीज़ों के लिए सब कुछ अवेलेबल है, चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो, चाहे धनिया हो, चाहे आलू हो, गेहूं हो, चावल हो, मक्का हो, हर तरह की चीज़ हमें मिलती है। इतना खूबसूरत देश है हमारा, लेकिन हमें शायद इसी कदर ही नहीं है। और हम क्या करते हैं कि हम उठा करके अपनी सारी, हमें लगेगा, जैसे मैं लास्ट वीडियो से बता रही, कई वीडियो में मैंने बताया कि हम अपने सारे गीले कूड़े को जो कि मॉइस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको डस्टबिन में डालते हैं। डस्टबिन में जो ऑलरेडी जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, वर्म्स जो हैं सूखे कूड़े के साथ, जो अभी एक्टिवेट नहीं है, जैसे ही आपने गीला कूड़ा डाल दिया वो एक्टिवेट हो गए, और एक्टिवेट होकर वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे बैक्टीरिया आपके 1 घंटे के अंदर मल्टीप्लाई होता है, तो आप समझिए कि आपने दिन भर अगर कूड़ा रखा अपने डस्टबिन में तो कितना ज़्यादा, कितना मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद क्या होता है कि ज़्यादातर हिंदुस्तान में ये बहुत बड़ी कमी है कि अगर कोई आपका सफाई वाला भी ले जाएगा आपका डस्टबिन, तो इतना प्रॉपर इसका अरेंजमेंट नहीं है वेस्ट मैनेजमेंट का। और क्या करेगा, वो आस कहीं डाल देगा, उससे अब बारिश होने वाली हो चुकी है, बारिश शुरू हो चुकी है, वो आपके सड़क के किनारे कहीं कूड़ा डाल दिया तो उसमें से वो रॉटनिंग शुरू हो जाती है। जितने बैक्टीरिया वायरस उसमें, आप समझ नहीं सकते हैं, करोड़ों के संख्या में बैक्टीरिया वायरस, फंगस, वर्म्स, वो सारे के सारे बहुत ग्रोथ करते हैं, बहुत जल्दी उनका ग्रोथ होता है क्योंकि उनको मॉइस्ट ऑर्गेनिक मटीरियल मिल गया है। अब इसमें क्या होता है कि आप जब हम लोग वहाँ से गुजरते हैं इस तरह की जगह से, या हिंदुस्तान में एक कॉमन सा सीन है, वो आप सब लोगों ने देखा होगा कि अब बरसात में हम जाएंगे सड़क के किनारे, वहीं कहीं आपका वेस्ट पड़ा है तो उसमें एक बहुत ही ख़राब सी स्मेल आएगी, और वो स्मेल को फिर हम कहेंगे अरे ये तो नगर निगम ने नहीं उठाया, या गवर्नमेंट बड़ी ख़राब है, ये गवर्नमेंट ने नहीं उठाया, नगर निगम वाले बड़े ख़राब हैं। लेकिन ये नहीं मालूम, ये सब हमारा ही करा धरा था। अगर हम उसको मॉइस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट को, वेट ऑर्गेनिक वेस्ट को हम खुद ही मैनेज कर लेते तो ये आज सीन नहीं आता। ये आप समझ लीजिए कि उसमें बहुत ही, उसमें से जो एक स्मेल आती है, तो हर तरह की आप जितना भी बैक्टीरियल डिजीज सोच लीजिए, जितनी भी वायरल डिजीज सोच लीजिए, जितनी भी वर्म्स डिजीज सोच लीजिए, वो सारी की सारी होने की कम्युनिटी लेवल पर संभावना रहती है। फिर हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हम लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं अपनी हेल्थ के ऊपर, क्योंकि वो हेल्थ हमारी, हमारी वजह से ही कम्युनिटी में फैल रही थी। इस गैस में जो गैस निकलती है इस वेस्ट मटेरियल से, जो कि आपका मॉइस्ट है,
तो उसमें मीथेन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मीथेन होती है उसमें, बहुत सारी सल्फाइड्स होती हैं, अमोनिया होती है जो हमारी हैज़ार्डस हमारे लिए। तो ये ज़रा आप लोग, हम सब लोग देखें और इसको मैनेज करने की कोशिश करें। नमस्कार।